हिंगनघाट के अस्पताल को लेकर विधायक समीर कुनावार ने सदन में लक्ष्यभेदी उपस्थिति की थी, जिस पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह मुद्दा सुलझाया है, जिसके चलते विधायक समीर कुनावार ने सरकार को धन्यवाद दिया है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंगनघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कुनावार जी, जिनसे हम जानेंगे हिंगनघाट अस्पताल का जो है प्रश्न आपने उपस्थित किया था, किस प्रकार से सरकार की भूमिका रही है, क्या कहना चाहिए? हिंगनघाट वर्धा जिले में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज, ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर हुआ था, वो हिंगनघाट में होना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी मांग थी। हिंगनघाट की पॉपुलेशन, हिंगनघाट में हाईवे, हिंगनघाट में होने वाले एक्सीडेंट, हिंगनघाट की ओपीडी, ये सब बातें देखते हुए गए 6 महीने से हम शासन के पीछे माननीय उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से हम प्रयत्न कर रहे थे कि ये वर्धा जिले में जो होने वाला है उसको हिंगनघाट में दिया जाए। लेकिन आज उसके लिए हमने बीच में पहले दिन 7 तारीख को मैंने आंदोलन भी किया था पायरी पे बैठ के सरकार के विरोध में, और उन्होंने मुझे शब्द दिया था कि इसके बारे में हम सकारात्मक निर्णय लेंगे। आज मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री जो इस उप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने आज ये निर्णय किया और सभागृह के अंदर में घोषित किया और ये मेडिकल कॉलेज आज हमको मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, एक ओर जो है हिंगनघाट के अस्पताल का मामला है और दूसरी ओर जो है दक्षिण नागपुर के जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसंधान केंद्र का मामला है और वो आपत्ति जता रहे, इस पर भी जो है विपक्ष बार बार आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो विपक्ष आज काम कर रहा है वो विपक्ष की तरफ में जब सत्ता आई महाराष्ट्र की तब वो ऑनलाइन थी, फेसबुक लाइव थी, वो सरकार का अधिकार, घर में बैठ के काम किया उन्होंने, उनको बोलने के क्या अधिकार है? काम करने वाले ये हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, काम करने वाले उप मंत्री फडणवीस साहब है, सब मंत्रिमंडल है, ये काम कर रहे हैं, उनको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने हिंगनघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर कुनावार से बात की, जिन्होंने कि हमें बताया कि सरकार द्वारा जो है सकारात्मक भूमिका हिंगनघाट के वैद्यकीय महाविद्यालय के विषय में दी गई है और वो प्रश्न यहाँ सॉल्व हो चुका है, प्रश्न की गुत्थी यहाँ सुलझ चुकी है, और साथ ही साथ उन्होंने जो है विपक्ष पर जो है तंज भी कसा है कि ऑनलाइन रहकर कुछ काम नहीं होते तो फील्ड पर उतरना पड़ता है, ये भी जो है संदेश विधानसभा शीत सत्र के आखिरी दिन उन्होंने दिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर।